आज हम आपके लिए लेकर आए एक हुन्ने वीडियो और आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक AK-47 टॉय गन की। काफ़ी बिग साइज टॉय गन है, मिलती है हमें इस बॉक्स के अंदर। आप देख सकते हैं बॉक्स साइज काफ़ी बड़ा मिलता है और हमने इस बॉक्स को परचेस किया फ्लिपकार्ट की ओर से। अगर आप फ्लिपकार्ट की ओर से परचेस करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको हमारे चैनल डब अनबॉक्सिंग के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम नाइफ की मदद से इसको बॉक्स को करते हैं ओपन। और आप हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दें और वीडियो कर दें लाइक। बेल आइकन दबाने से आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगी और नए नए टॉय और कार गेम वीडियो सबसे पहले मिल सकेगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी जरूर करिएगा। तो चलिए इस बॉक्स को करते हैं ओपन। तो आप देख सकते हैं हमें हमारा बिल मिलता है बाहर, कोड काफ़ी स्पेसिफिकेशन लिखे हुए हैं। यहाँ भी आप ऑर्डर करेंगे आपके वैसे स्पेसिफिकेशन के ऊपर मिल जाएंगे। और काफ़ी अच्छी टेपिंग के साथ हमें बॉक्स मिलता है और हम नाइफ की मदद से इसके बॉक्स को काट लेंगे। आप देख सकते हैं टेप काफ़ी अच्छे से लगा हुआ था। और देखते हैं हम इसके अंदर हमें क्या मिलता है। नाइफ को रखता हूँ साइड में। आप देख सकते हैं वो कहीं पॉलिथीन मिलती है हमें इसके अंदर। इनके अंदर हमें गन में इस्तेमाल करने के लिए गोलियां, येलो कलर की गोलियां मिलती हैं आप देख सकते हैं। और देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या। और काफ़ी आप देख सकते हैं बहुत सारी हैं, देख सकते हैं बहुत सारी हमें मिलती हैं। अरे वाह भाई, इतनी सारी गोलियां पॉलिथीन, आप देख सकते हैं कितनी सारी मिलती हैं, देख सकते हैं आप भाई। मज़ा ही आ गया इतनी सारी गोलियां देख के बॉक्स के अंदर हमें। और आप देख सकते हैं ये ऊपर ब्रांडिंग मिलती है, इस पर लिखा है शूटिंग फायर आर्म्स यूज 6 mm बुलेट्स डू नॉट शूट एट ह्यूमंस और एनिमल्स। आप ह्यूमंस और एनिमल्स के ऊपर इसे बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। तो चलिए इस बॉक्स को निकालते हैं बाहर। और काफ़ी पॉलिथीन देख सकते हो आप, इतनी ज़्यादा मात्रा में इसके अंदर हमें बुलेट्स पॉलिथीन मिलती है। और इस बॉक्स को रखते हैं हम साइड में। तो चलिए इस बॉक्स को हमने साइड में रख दिया और इस पॉलिथीन को करते हैं ओपन। आप देखते हैं, देख सकते हैं हमें निकाल इस ऊपर से इसकी स्लिप को हटाना होगा। स्टेपलर की मदद से कंटी लगी हुई मिलती है आप देख सकते हैं। तो चलिए आप देखते हैं इसको ओपन करके। मैं गन को निकाल लिया हुआ है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी और बिग साइज देख सकते हैं आप, ये हमें मिलती है AK-47। ये ऐसे नहीं चलेगी। और ये इसके आगे की जो हमें साइलेंसर मिलता है स्टील में मिलता है और बाकी प्लास्टिक और वुड की फिनिशिंग की हुई है आप देख सकते हैं इस पर। और बॉक्स देखते हैं इसके अंदर से क्या मिलता है पॉलिथीन के अंदर से। आप देख सकते हैं हम सारे सामान पॉलिथीन के अंदर से निकालते हैं और पॉलिथीन को डाल देते हैं बाहर। तो चलिए ये देखते हैं कहाँ इस्तेमाल है। फिर अच्छी सी वुड की फिनिशिंग मिलती है हमें आप देख सकते हैं। और ये हमारी लेज़र लाइट और एक बल्ब इसके अंदर मिलता है, आपको दिखाऊंगा इसे भी लगाकर कैसे वर्क करती है। और इसमें हमें गोले डालने होंगे, देखते हैं कहाँ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ जोड़ कर इसको। तो आप देख सकते हैं ये हमें लगाना होगा पीछे की ओर, इसे आपको नीचे की ओर खींचना होगा जिससे अच्छे से यहाँ पर अटैच हो सके। देखा काफ़ी बिग साइज देख सकते हैं सामान, दिखाते हैं इसके अंदर अटैच करके इस गन के अंदर तो कैसे अच्छे से वर्क करता है नहीं आप देख सकते हैं। इसे लगाने के लिए आपको एक नीचे हमें इसे खींचना होगा, हाँ लग गया आप देख सकते हैं। और ये हमें कहाँ लगाना होगा इसे भी देखते हैं अभी। ये हमें साइड में लगाना होगा देख सकते हैं आप, हमारे लिए लाइट साइड में लग गया है आप देख सकते हैं। और ये इसके अंदर अटैच करना, इसे अटैच करना होगा पहले आप देख सकते हैं इसे अच्छे से अटैच करने के लिए। ये हमें ये हो गया अच्छे से अटैच। ये हमारा होगा साइलेंसर आप देख सकते हैं। आराम से करें, जल्दीबाजी ना करें आप देख सकते हैं। और हमने अच्छे से अटैच कर लिया।
और हमारी गन तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो चलिए इस आउटडोर में लेकर चलते हैं और इसका करते हैं अच्छे से टेस्ट। तो दोस्तों हम इस AK-47 गन को लेकर आ गए आउटडोर में, आपने सामने देख सकते हैं, हमने सामने बैलून लगा दिए हैं और इन बैलून पे इसकी करेंगे टेस्टिंग स्टार्ट और देखेंगे इसके बुलेट्स कैसे काम करते हैं, फोड़ते हैं आज नहीं। तो चलिए, और हम ये भी लेकर आएंगे बुलेट्स, आप देख सकते हैं। तो चलिए देख सकते हैं आप, बुलेट की पोलोथीन काफ़ी मात्रा में है, काफ़ी ज़्यादा ही गोलियाँ इसके अंदर मिलती हैं पोलोथीन के अंदर। तो चलिए आप देख सकते हैं, और हम नीचे अटैच करेंगे इसका जो आपको वीडियो में लगा कर दिखाएगा, इसके अंदर में गोलियाँ भरनी होंगी। तो चलिए गोलियाँ भरकर आपको दिखाते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, ऐसे इसको हम ओपन कर लेंगे, ऐसे हमारी गन कुछ वर्क नहीं करेगी और इसके अंदर में डालनी होंगी पोलोथीन से गोलियाँ। इसके अंदर आप देख सकते हैं काफ़ी मात्रा में आप इसके अंदर गोलियाँ डाल सकते हैं, हमने 1 पोलोथीन इसके अंदर डाल ली है और काफ़ी मात्रा में हमारे बुलेट्स आगे की ओर पड़ी हुई है। अब नीचे अटैच करके दिखाएंगे आपको, हम देख सकते हैं, आप देख सकते हैं इसे अटैच करके दिखाते हैं आपको, देख सकते हैं आप, आपको साउंड भी सुन रही होगी, काफ़ी मात्रा में अंदर गोलियां अटैच कर ली हैं हमने। तो देख सकते हैं आप हम इसके अंदर कैसे कैसे अटैच करेंगे, येलो कलर की गोलियां इसके अंदर हमने लगा ली हैं, आप देख सकते हैं, और हम लगाने जा रहे हैं इस बुलेट्स को, और हमारी बुलेट्स देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छे से अटैच हो गई है। और हमें इसे स्टार्ट करने के लिए आप देख सकते हैं इसको पीछे की ओर खींचना होगा। अब हमारी गोलियां अच्छे से वर्क करेंगी, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सामने की ओर हमारे बैलून लगा हुआ है, देखते हैं अच्छे से वर्क करता है या नहीं। और उससे पहले हम आपको दिखाते हैं, ये भी अच्छे से वर्क करती है, एक साइड में मिलती है लेजर लाइट, आप देख सकते हैं रेड लाइट आपको दिख रही होगी, और एक ऊपर की ओर बल्ब, ये भी काफ़ी अच्छा सेंसर से वर्क करती है, आप देख सकते हैं। तो चलिए इसका भी करते हैं इस्तेमाल, और आप देख सकते हैं आपको बल्ब सामने की ओर लाइट दिख रही हो, लाल शायद आपको हल्की दिख रही हो, तो आप देख सकते हैं बैलून पे काफ़ी अच्छा शॉट लगा पर बैलून हमारा नहीं फूटा। तो देखते हैं एक बार फिर अच्छे से अटैच करके बैलून पे फिर एक बार, हमारे बैलून को फोड़ नहीं पा रही, काफ़ी अच्छी सी मात्रा में चल रही है गन, आप देख सकते हैं, और स्पीड हमें काफ़ी फास्ट मिलती है पर हमारा बैलून नहीं फूटता, आप देख सकते हैं। और फिर से एक बार टेस्टिंग काफ़ी फास्ट, ऐसे हमें इसे लोडिंग करनी होगी, आप देख सकते हैं। और अब हम इसकी टेस्टिंग करने के काफ़ी पास जाकर देखते हैं ये बैलून को फोड़ती हैं या नहीं, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं काफ़ी पास में लिया हूँ, हमारा बैलून नहीं फूटता, तो आपने देखा इसे का 47 की मदद से हम गुब्बारों को तो कुछ भी उखाड़ नहीं पाए। और अब देखते हैं इस बॉक्स में हमारे होल करती है नहीं, देखते हैं काफ़ी इसकी स्पीड हमें बुलेट्स की फास्ट मिलती है नहीं। तो चलिए देखते हैं इसको ऑन करके, और मैं देखता हूँ इसको, देख सकते हैं आप, और हमें काफ़ी मात्रा में एक ही छेक देखने को मिलता है। मैं फिर से आपको दिखाता हूँ ट्राई करके बार बार, आप देख सकते हैं आप बॉक्स को पास ला सक देख सकते हैं काफ़ी मात्रा में इसने इसे के संतान से गत्ते में अच्छे से छेंक कर दिया, आप देख सकते हैं, पर बैलून का कुछ नहीं बिगाड़ पाई ये AK-47।